अस्सलाम वालेकुम, देखा की दुनिया में स्वागत है आप लोगों का। देखिए ये एडिडियम का पेड़ है। ये मुझे मेरी छोटी बहन का लड़का जानू मुझे गिफ्ट में दिया है। मैं इसको अलग गमले में इसको शिफ्ट करने जा रही हूँ। आप लोग भी देखिए किस तरह से इसको मैं शिफ्ट कर लूँगी। तो बांध छान के रखे हुआ है, इसको मैं कटिंग भी करूँगी और इसको दूसरे गमले में भी लगाऊंगी। देखिए इसको मैं गमले से निकाल ली हूँ, इसका मिट्टी निकाल के पानी में इसको मैं पहले सादा पानी से धो लूँगी, उसके बाद फंगीसाइड पानी में इसको भिंगो कर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जो फंगस लगा हुआ होगा वो सब इसमें निकल जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये बहुत पुरानी डिजाइन का पेड़ है। देखिए इसको मैं बाल्टी में इसको पानी में डुबा रही हूँ, इसको अच्छे से धो लेना है। सारा पानी में ये मिट्टी निकल जाएगी। इसके बाद इसको फंगिसाइड पानी में डालूंगी, इसको अच्छे से मिट्टी को हटा देना है। ये मैं पानी साफ पानी ले आई हूँ। अब इसमें ये साफ का फंगिसाइड पाउडर पानी में डालूंगी और डाल के उसको आधे घंटे के लिए डिडियम को डुबो कर रख दूंगी। जो भी इसमें फंगस निकल लगी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। इसको मिला लेना है। इसको देखिए इसको अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। अब इसका मैं इसको पानी में डाल रही हूँ। साफ का फल कैसा है मैं ली हूँ। इसको मैं पानी में करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आइए उसके बाद मैं निकालूंगी, तब मैं रिपोर्ट करूंगी। इसको गमले में शिफ्ट करूंगी। जब तक मैं इसको गमले को मट्टी तो तैयार कर ली हूँ, गमले में मट्टी डालूंगी। क्योंकि इसमें रेत है और ये ईटा है, ईटा का टुकड़ी और बजरी है थोड़ा। और इसमें फंगिसाइड डाल दी हूँ, थोड़ा मिट्टी है बस, और इसमें मैं कुछ नहीं डाली हूँ। अब इसको मैं गमले को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए ये मिट्टी तैयार हो गई है। पहले से मैं ये हमारा पहले का है, करीब 2 साल पुराना है। इसको भी मैं दूसरे गमले में रिपोर्ट कर रही हूँ। इसको भी मैं फंगिसाइड में रख के इसको सुखा ली, इसके बाद मैं इसको गमले में शिफ्ट करने जा रही हूँ। देखिए ये फंगिसाइड पानी में इसको रख के आधा घंटा, उसके बाद निकाल के 1-2 घंटा के बाद इसमें मैं फंगिसाइड पाउडर लगाई हूँ सब में, इसमें फंगस न लगे। और मैं इसको
गमले में शिफ्ट करने जा रही हूँ। देखिए आप लोग भी जहाँ कटा फटा है वहाँ लगा दे रही हूँ। अब इसको कटिंग अभी नहीं करूँगी, अभी इसको पहले लगा के कर दी हूँ, गमले में शिफ्ट कर दी हूँ। पानी डाल के इसको अच्छे से रख देना है और शेड एरिया में रखना है, धूप में अभी नहीं रखना है दो चार दिन, उसके बाद मैं इसको धूप में रख दूँगी। देखिए एडिडियम का पेड़ लगाने का तरीका कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैं इसको कटिंग नहीं की, कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।